ये सबको रमजान तो पता है ना क्या होता है, तो रमजान में हम फास्ट करते हैं मुस्लिम, और सारे जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना सबके अंदर ये सब ये सोचते हैं ना कि रमजान में फास्ट करते तो इनका वेट कम हो जाता है। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें बिहाइंड द सीन्स नहीं पता ना कि हम रोजा रखते कैसे हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, हमें सनराइज से पहले उठना होता है और खाना होता है रोजा रखने के लिए, फिर पूरा दिन भूखा रहता है और फिर सनसेट पे वो फास्ट ब्रेक करते हैं। पर सनराइज से पहले जो हम खाते हैं ना तो वो 5 दिन का पेलते हैं। तो हम ऐसे फास्ट करते हैं तो वेट कम नहीं होता और गेन करते हैं, और ये लोगों को नहीं पता। तो हर साल कोई ना कोई एक फुद्दू होता है जिसको नहीं पता होता। तो तुमने तो कोई फोन करता है कि भाई तेरे साथ रोजा मैं भी रखूँगा, मुझे उठा देना। तो वैसे किसी ने फोन किया बोला हमको वेट कम करना, मुझे उठा देना, मैं तेरे साथ फास्ट करूंगा। मैं सनराइज से पहले उठा, मैंने उसको उठा दिया कि कुछ खा ले, रोजा रखने का टाइम हो गया। अब उसको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता ना कि कितना खाना होता है। ये चूतिया ब्रेड और जैम खा के सो गया। अब भूख लगी, 10 बजे उठ गया सुबह को, 10 बजे उठा, मुझे फोन करा था भाई बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मैं नहीं रख पाऊंगा अभी। बोला तूने रख लिया, अब रखना पड़ेगा, हमारा प्रोसेस है। मैं उसको डरा दिया, बोला अगर सनसेट से पहले पेट में कुछ भी गया तो मर जाएगा तू। मान गया। उसने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाया पिया, 1 घंटे बाद वापस फोन करता था, भाई बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कुछ भी बता दे तू, कुछ हैक बता दिया तुमने। हैक थोड़े ना इसमें। मैं उसको बस ऐसी मस्ती में बोला भूख पीना चालू कर दे। वो मान गया, उसको वो फॉलो कर रहा था पूरा, उसने प्रोसेस फॉलो किया। 15 मिनट बाद वापस फोन करता था, भाई मुंह में थूक आना बंद हो गया। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कुछ बता दे। तो मैंने उसको मोटिवेशन के लिए बोल दिया कि अभी बस सनसेट में 3-4 घंटे बस इतना वेट कर ले, उसके बाद तो खाना ही खाना है, अभी सनसेट में 8 घंटे मेरा। इतना बोला कम से कम कुछ तो वेट करेगा। उसने 2 मिनट बाद वापस फोन किया, भाई सर चकरा रहे, बहुत प्यास लग रही है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, कहीं मैं कन्वर्ट तो नहीं हो रहा।